खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर, जहां जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन, समारोह में लालू परिवार को भी निमंत्रण। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी निमंत्रण भेजा गया है। इफ्तार पार्टी में शामिल होगी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो देखिए, इफ्तार पार्टी में, जेडीयू के इफ्तार पार्टी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बीते एक महीने में दो बार सीएम से तेजस्वी करेंगे मुलाकात। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एक महीने के दरमियान दो बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इफ्तार पार्टी के बहाने दोनों की मुलाकात जो है वो दूसरी बार होने वाली है। और जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी में खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बीते एक महीने में दो बार सीएम और तेजस्वी की मुलाकात होगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेद, इफ्तार पार्टी के बहाने दो बार नेताओं की मुलाकात जो है वो हो गई है और होने वाली है, ये दूसरी बार मुलाकात होगी। इफ्तार के बहाने क्या जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं वो सच तो नहीं होने वाला है? देखिए पूजा, इस तरीके की कोई बातें कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बेशक इफ्तार पार्टी का दौर लगातार जारी है और आज एक बार फिर से राजनीतिक नुहाजुटान होने वाला है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, उसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों के बाद पहुंचे, बीजेपी कोटे के मंत्री पहुंचे और अब जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है हज भवन में जो होगा। और इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देते हुए लालू परिवार को भी निमंत्रण दिया गया है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, गठबंधन सिंह, इन तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये सब आज जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया उसमें जाएंगे भी। तो निश्चित तौर पे सप्ताह भर में दूसरी मुलाकात होने जा रही है लालू परिवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो सियासी बाजारों में चर्चा तेज हो गई है, लेकिन दोनों ही पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बयान आया, जब आरजेडी का स्टार पार्टी समाप्त हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार ने बयान देखे, जो भी बयानबाजी हो रही थी उस पर विराम लगा दिया था, जो भी चर्चाएं हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया था। और जो आरजेडी की ओर से भी बयान आया है, जनता दल यूनाइटेड के स्टार पार्टी आयोजन होने से पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया है, उसके मुताबिक ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है,